हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम कैनाल लाइनिंग के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैनाल को आप सीपेज से प्रिवेंट करने के लिए और सिल्टिंग एंड स्काउरिंग से प्रिवेंट करने के लिए कैसे लाइन कर सकते हो और इसके कितने टाइप्स होते हैं एंड क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ये सब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे गाइस। एंड गाइस, दूसरी चीज़ ये, आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए। एंड प्लीज़ कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ कैनाल लाइनिंग। तो गाइस देखिए, कैनाल लाइनिंग एक ऐसी इम्परमिएबल लेयर प्रोवाइड करवाई जाती है कैनाल के पूरे उसके जो थ्रू आउट द एरिया, जिससे क्या होगा, जितना भी वाटर सीपेज होता है, ठीक है, वाटर सीपिंग के थ्रू जो भी बाहर आता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अगर ज़्यादा सीपेज होगा तो सिल्टिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, ठीक है गाइस। सिल्टिंग मतलब सॉइल का इरोजन हो जाएगा, सॉइल जो है वो कटने लगेगी, ठीक है, एंड बहने लग जाएगी वाटर के साथ, ठीक है। तो उन सारी कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए एंड जो कैनाल के डिस्चार्ज कैपेसिटी है उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए कैनाल लाइनिंग प्रोवाइड की जाती है गाइस, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, 60 to 80% जो वाटर का लॉस होता है सीपेज के अंदर, उस चीज़ को भी प्रिवेंट करता है एंड इस चीज़ को भी हम रोक सकते हैं कंस्ट्रक्शन में कैनाल लाइनिंग प्रोवाइड करवा के गाइस, ठीक है। एंड ये जो कैनाल लाइनिंग होती है, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, तो एक बार पहले देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं गाइस। तो गाइस, सबसे पहला जो मेन एडवांटेज है वो है सीपेज रिडक्शन गाइस, ठीक है। तो देखिए, कोई भी कैनाल प्रोवाइड करने के पीछे जो मेन पर्पस होता है वो होता है सीपेज लॉस को रिड्यूस करना गाइस, ठीक है। क्योंकि 25 से लेकर 50% तक सीपेज लॉस होता है एक अनलाइन कैनाल के अंदर, ठीक है गाइस। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एंड वाटर की डिस्चार्ज कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कैनाल लाइनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन देखी जाए, अगर सीपेज लॉस किसी कैनाल में बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में है, तो लाइनिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, क्योंकि जो मेन जो रीज़न होता है कैनाल प्रोवाइड करने का, वो लाइनिंग प्रोवाइड करने का, वो होता है सीपेज रिडक्शन गाइस, ठीक है। सो सेकेंड एडवांटेज जो है इसका, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग गाइस। तो गाइस, ये वाटर लॉगिंग कैसे होगी, देखिए वाटर लॉगिंग का जो मेन कॉज होता है वो होता है वाटर टेबल जो होता है उसके अंदर इंक्रीमेंट होना। अगर वाटर टेबल इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, सीपेज का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा गाइस, ठीक है, यानी अनकंट्रोल हो जाएगा सीपेज, ठीक है। एंड अनकंट्रोल्ड सीपेज की वजह से क्या होगा, जो इरीगेशन प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगी, जो लैंड है उसकी जो इरीगेशन प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल वीक हो जाएगी। एंड जो वहाँ की यील्डिंग प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल इनफर्टाइल हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसे प्रिवेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कैनाल लाइनिंग करते हैं गाइस। थर्ड एडवांटेजेस जो है, एडवांटेज है वो है इंक्रीज इन चैनल कैपेसिटी। तो गाइस, चैनल कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगी, अगर आप बहुत ही स्मूथ एंड वेल फिनिश आप कैनाल लाइनिंग करते हो तो क्या होगा, जो वाटर का जो फ्लो है वो काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ वाटर फ्लो होगा गाइस, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो चैनल की जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज लेस मेंटेनेंस। तो नेक्स्ट इज गाइस लेस मेंटेनेंस। जो कैनाल लाइनिंग होती है, यानी एक लाइन कैनाल होता है, उसका मेंटेनेंस बहुत इजी होता है कंपैरिजन टू दी अनलैंड कैनाल, क्योंकि अनलैंड कैनाल के अंदर सिल्टिंग और स्कोरिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, जिस वजह से उसका जो मेंटेनेंस है उसका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। एंड लास्ट इज सेफ्टी अगेंस्ट फ्लड। तो गाइस, एक जो लाइंड कैनाल होता है उसके अंदर जो वाटर को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, वो हाई जो वेलोसिटी का जो वाटर आता है फ्लड के टाइम पे उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिवेंट कर सकता है, उसको विदस्टैंड कर सकता है कंपैरिजन टू दी अनलाइंड कैनाल। तो ये तो थे गाइस कुछ एडवांटेजेस, अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। तो गाइस, बेसिकली दो टाइप से कैनाल लाइनिंग की जाती है, एक हार्ड सरफेस लाइनिंग एंड दूसरा अर्थ टाइप लाइनिंग। ये जो हार्ड सरफेस लाइनिंग होती है इसके अंदर भी तीन टाइप की लाइनिंग आती है, एक आपकी सीमेंट लाइनिंग आती है। सीमेंट लाइनिंग के फर्दर थ्री टाइप्स होते हैं, शॉर्टक्रीट, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट एंड सीमेंट मोर्टार। फिर आती है ब्रिक लाइनिंग एंड एस्फाल्टिक लाइनिंग, ठीक है गाइस। एंड जो अर्थ टाइप लाइनिंग होती है उसके अंदर बेसिकली दो ही टाइप आते हैं, सॉयल सीमेंट लाइनिंग एंड कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग गाइस, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टाइप होते हैं जो आजकल नए नए टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कैनाल लाइनिंग करने की, तो इसलिए इसके जो टाइप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनकाउंटेबल हैं, क्योंकि नई नई टेक्निक्स आजकल आती जा रही हैं एंड इसके टाइप्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं इन सबको ब्रीफ में, इनके टाइप्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहला है हमारा हार्ड सरफेस लाइनिंग के अंदर सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग। तो गाइस, ये जो सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग होती है ये बहुत ही कम यूज़ की जाती है बिकॉज ऑफ इट्स हाई इनिशियल कॉस्ट। इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, हालांकि इसकी जो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो वाटर को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल की होती है, हाई स्टैंडर्ड की होती है। एंड जनरली इसकी जो थिकनेस होती है वो 5 to 10 cm रखी जाती है M15 ग्रेड की कॉन्क्रीट के लिए एंड 7.5 to 15 रखी जाती है M10 ग्रेड की कॉन्क्रीट के लिए।
लिए गाइस, ठीक है। एंड ये ग्रेड किस तरीके से वेरी करती है इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस गाइज, ये जो लाइनिंग होती है ये टफ होती है काफ़ी, ड्यूरेबल होती हैं इनकी जो ये बहुत ही ज़्यादा हाई परमेबल होती हैं एंड हाइड्रोलिकली ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं गाइज, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये जो कॉन्क्रीट लाइनिंग होती हैं वो स्मॉल एंड लार्ज डिस्चार्ज दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होती हैं, बिकॉज ये काफ़ी हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, साथ ही ये लो वेलोसिटी में भी काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं। एंड एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो कॉन्क्रीट सीमेंट कॉन्क्रीट लाइनिंग होती है वो नंबर वन लाइनिंग होती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं इसके अंदर, इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी अच्छी होती हैं गाइस, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, अपने बजट को मॉडरेट रखना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। बाकी अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा है तो आप सीमेंट कॉन्क्रीट लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है गाइज ब्रिक लाइनिंग। देखिए गाइज ब्रिक लाइनिंग के अंदर क्या होता है, जो ब्रिक्स की लेयर लगाई जाती है सीमेंट मोटर यूज़ करके, इनको केनाल बेड पे एक दूसरे के ऊपर स्टक किया जाता है गाइज, ठीक है। एंड इससे एक स्मूथ फिनिश मिलती है गाइज, ठीक है। एंड ये बिल्कुल ज़्यादा सिमिलर होती है कॉन्क्रीट लाइनिंग के, जो सीमेंट कॉन्क्रीट लाइनिंग हमने अभी पढ़ा था उससे बिल्कुल ज़्यादा सिमिलर होती है गाइज। एंड इसके अंदर अगर बाई चांस किसी कंडीशन में कोई फेलियर होता है तो आप उसको ईजिली रिपेयर कर सकते हो। एंड किसी कंडीशन में अगर इसके अंदर कोई सेटलमेंट होता है सब ग्रेड के अंदर, सेटलमेंट होने की वजह से क्या होगा, जो सॉइल है उसका जो एक सॉइल सेटल हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे इसके अंदर कई सारे क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, कई सारे मोर्टार जॉइंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये जो मोर्टार जॉइंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, सीपेज वाटर को परमिट नहीं करते हैं, ठीक है गाइस, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लाइनिंग होती है वो बिल्कुल सुरक्षित रहती है, सेफ रहती है किसी भी टाइप के वाटर के अपीयरेंस से, वाटर के प्रेजेंस से गाइस, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है गाइज एस्फॉल्टिक लाइनिंग। ये जो एस्फॉल्टिक लाइनिंग होती है गाइज, इसके अंदर एस्फॉल्ट एंड कई ग्रेड के एग्रीगेट को मिक्स करके एक हाई टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेल्सियस पे एक मिक्सचर बनाया जाता है एंड उसके बाद इसकी लाइनिंग की जाती है गाइज, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये लाइनिंग ख़राब हो जाती है एंड ये सीपेज की प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कुछ अर्थ मटेरियल की इस पर एक लेयर बिछाई जाती है। ये जो लेयर होती है ये 30 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस होती है गाइज, ये प्रोटेक्शन के लिए जाती है, जिससे क्या हो, जो सीपेज का प्रॉब्लम है वो और ज्यादा ऑकर ना हो इसलिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट टाइप है गाइस हमारा अर्दन टाइप लाइनिंग, और इसके अंदर फर्स्ट टाइप जो है वो है सॉइल सीमेंट लाइनिंग। तो गाइज ये जो सॉइल सीमेंट लाइनिंग होता है इसके अंदर एक मिक्सचर लिया जाता है सैंडी सॉइल का, सीमेंट का एंड वाटर का, इसका पेस्ट बनाया जाता है जो कि हार्ड होके एक कॉन्क्रीट मटेरियल की तरह बिहेव करता है, उसकी एक लेयर बिछाई जाती है गाइज, ठीक है। एंड इसके अंदर जो सीमेंट का जो कंटेंट है वो 2-8% होना चाहिए सॉइल की वॉल्यूम का, सॉइल की टोटल वॉल्यूम का, तभी ये अच्छा रिजल्ट देती है गाइज, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये इरोजन के प्रोटेक्शन के लिए, इरोजन कब होगा गाइज, जब सिल्टिंग होगी, ठीक है। सिल्टिंग की वजह से क्या होगा, सिल्टिंग एंड स्कॉरिंग की वजह से इरोजन की प्रॉब्लम होगी गाइस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो एडिशनल स्ट्रेंथ है गाइस, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, फॉर इरोजन प्रोटेक्शन एंड एडिशनल स्ट्रेंथ इन लार्ज चैनल्स द लेयर ऑफ सॉइल सीमेंट इज समटाइम्स कवर्ड विद कोर्स सॉइल, यानी कि इरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, कभी कभी इसके अंदर इसको, ये जो लाइनिंग होती है इसको कोर्स सॉइल से भी क्या करा जाता है, अच्छी तरीके से कवर्ड करा जाता है, जिसकी वजह से स्कॉरिंग एंड सिल्टिंग का प्रॉब्लम ना हो एंड सॉइल का इरोजन ना हो गाइस, ठीक है। ये तो था हमारा सॉइल सीमेंट लाइनिंग। नेक्स्ट टाइप है गाइस हमारा कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग। देखिए गाइस कॉम्पैक्शन करने से क्या होगा, जो सॉइल के अंदर जितने भी पोर्स हैं, ठीक है, पोर्स के अंदर एयर है, वाटर है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, सॉइल के अंदर इनको रिड्यूस कर सकते हैं कॉम्पैक्शन करने से, ठीक है। अब ये जो कॉम्पैक्शन कब करना ज़्यादा ईजी होगा, अगर आपकी जो साइट है वो अर्थ के पास है, ठीक है। अगर अर्थ के पास आपकी साइट नहीं है तो ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है ये वाला लाइनिंग जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करा जाता है, ये जो जितने भी सॉइल होती है उसको पहले अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट किया जाता है, जो कि बिल्कुल साइट के बिल्कुल पास होता है, जिसे हम कास्टिंग सीटू भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये रिडक्शन इन वॉइड साइज इंक्रीज द डेंसिटी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूसेस परमेबिलिटी, यानी कि अगर सॉइल का अच्छे से कॉम्पैक्शन होगा तो इससे क्या होगा, एक तो आपका जो वॉइड साइज है उसके अंदर भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। दूसरी चीज़ ये इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ेगी एंड जितनी भी सॉइल, ये जो परमेबिलिटी है इसकी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी एंड जो सॉइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इम्पर्वियल होगी तो उतनी ही कम इसके अंदर क्या होगा, सीपेज होगा गाइस, ठीक है। यानी कि ये दोनों गाइस साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, जितना ज़्यादा सॉइल आपकी इम्पर्मिएबल होगी उतना ही कम इसके अंदर क्या होगा, सीपेज लॉस होगा गाइस, ठीक है। तो ये तो थे गाइस कुछ टाइप्स थे हमारे कैनाल लाइनिंग के।
इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसके अंदर आपके प्लास्टिक लाइनिंग आती है एंड क्ले पुडल लाइनिंग आती है, सोडियम बाइकार्बोनेट लाइनिंग आती है गाइज, ये कई सारे टाइप्स हैं। एंड इसके साथ कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आई हैं, कुछ ऐसे नए टाइप आए हैं जिनका यूज़ काफ़ी अच्छे लेवल पर किया जाने लगा है। तो गाइज़ ये तो थे कुछ टाइप्स एंड मेरा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए गाइज, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।